भारद्वाज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये एक लिवगार्ड का पीस इन्वर्टर है, ये LG900 जो कि स्क्वायर में है, और इसमें जो किट लगी होती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ये वाली किट लगी होती है, ये देखिए, ये लिवगार्ड की है, ये आप देख सकते हो ये। पर ये किसी मिस्त्री के पास ही रिपेयर होने के लिए गया हुआ था, तो उन्होंने क्या किया कि इसकी पीसीबी निकाल के, क्योंकि वो पीसीबी रिपेयरेबल नहीं होगी, तो इसलिए उन्होंने ये निकाल के, तो ये एक लोकल मेड की किट आती है कोयना की, जो कि ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, तो उन्होंने ये किट लगा दी, क्योंकि ये किट स्क्वायर वे है, इन्वर्टर भी स्क्वायर वे है, तो इसीलिए उन्होंने ये लगा दिया। पर शायद उस दुकानदार को हमारे बारे में नहीं पता होगा, इसीलिए उसने ये काम किया। अगर उसको आप हमारे बारे में पता होता तो वो ये वाली किट भारद्वाज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से ऑर्डर करके अपने इन्वर्टर में यूज कर सकता था, पर उन्होंने नहीं किया, उन्होंने ये वाली किट को लगा दिया। और ये किट मात्र 6 महीने ही चली है, और उसके बाद ये किट बेकार हो गई है। ये देखिए, उसने 6 महीने में इसको 2 बार रिपेयर भी करा लिया, मोसफेट वगैरह और इसका चार्जिंग कंट्रोल वगैरह भी, सर्किट ख़राब हो गया था, तो उन्होंने इसको रिपेयर कराया है, पर ये किट सक्सेस नहीं है। उसके बाद ये हमारे पास आया हुआ है, पर अगर इसमें सेम पीसीबी लगी होती तो हम भी इसमें ये अपनी लिफास्ट वाली पीसीबी लगाते, पर उन्होंने इसका डिस्प्ले वगैरह सब कनेक्टर वगैरह सब काट फूट के सब ये वाला किट मॉडिफिकेशन करके उन्होंने ये वाली किट लगाई हुई है। तो अब ये वाले किट लगाने का कोई चांस है नहीं, वो इसका डिस्प्ले भी उन्होंने चेंज कर रखा है और कनेक्टर का भी चेंज कर दिया है, तो हम ये वाली किट नहीं लगाएंगे। हम इसमें स्क्वायरवे की किट लगाएंगे जो इसमें बेटर रहे और अच्छा वर्क कर सके। आपके पास इन्वर्टर रिपेयर होने के लिए आता है तो आप ये काम ना करें। हमारे पास जो है वो सभी कंपनियों के इन्वर्टर पीसीबी जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़ के, वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप हमसे जो है ऑर्डर कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके अपनी सुकेम सार्क वाली पीसीबी लगाएंगे और आपको चला के दिखाएंगे। और दोस्तों, इस इन्वर्टर से आपको प्लस पॉइंट ये भी मिल गया कि बाई चांस इसकी जो पीसीबी होती है हमारे पास भी स्टॉक में नहीं होती है, क्योंकि ये पीसीबी बहुत ही कम आती है स्टॉक में, और इस टाइम हमारे पास भी स्टॉक में बिल्कुल नहीं है ये वाली पीसीबी, क्योंकि ये एक पीस रखी हुई है बस। तो अगर आपके पास भी अगर ऐसा इन्वर्टर आता है, अगर पीसीबी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप जो है ये सुकेम सार्क वाली पीसीबी इसमें लगा सकते हो इजीली, क्योंकि ये हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहती है, और इसका प्राइस भी मात्र बहुत ही कम है। इसका जो प्राइस है मात्र 700 रुपये है, और ये किट लगा के आप कस्टमर से आराम से 1200 रुपये तक चार्ज कर सकते हो, और हमारी वारंटी भी रहती है 1 महीने पीसीबी की। तो इसमें फिट होने के लिए सुकेम सार्क का मॉडल आप इसमें यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। बस इसमें आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ये जो जैक वगैरह हैं ये सभी टेक्नीशियन के बाद नॉर्मली होते हैं, ये एक जैक ये बनाना पड़ेगा, एक जैक ये बनाना पड़ेगा। बाकी डिस्प्ले में थोड़ा मॉडिफिकेशन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसका मॉडिफिकेशन है, इसकी जो पहली और जो लास्ट पिन होती है ये स्विच की होती है, बाकी जो यारे 2 पिनें होती हैं वो खाली होती हैं, और उसके बाद हमारी 5 LED का जो होता है मेन इन्वर्टर, मेन चार्जिंग और लो बैटरी, ये कनेक्टर है दोस्तों। तो कनेक्टर आप बिजली लगा सकते हो, कनेक्टर आपके पास नहीं है तो आप इसको नीचे से सोल्ड करके इसका LED का कनेक्शन कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम इस इन्वर्टर को डन करते हैं और आपको चला के दिखाते हैं। हमारी ये है लिवगार्ड की, ये देखिए ये, और ये देखिए हमने लगा दिया है इसमें, जैसे कि बताया, इसमें 5 LED का होता है और एक 2 लास्ट वाले स्विच के होते हैं, जैसे कि हमने आपको फर्स्ट में डायग्राम में बता रखा है। यहाँ पे LED में कनेक्शन आपको कैसे करना है, इसमें देखिए यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लगी होती हैं, ये देखिए एक रेजिस्टेंस ये लगी होती है, एक रेजिस्टेंस ये लगी होती है, कि दोनों रेजिस्टेंस आपको जो है वो काट देना है, यानी कि ओपन कर देना है। 3 रेजिस्टेंस लगभग, जो 2-3 रेजिस्टेंस लगी होती हैं, तो सारी ओपन करके आपको सारे LED का फ्री कर देना है, सभी LED का आपको कॉमन कर देना है। उसके बाद सभी LED के पोस्टों पे जो LED के 5 तार हैं वो आपको लगा देना है, और उसके बाद ये देखिए जो हमारा स्विच 6 पिन का जो स्विच होता है ये वाला, इसका जो देखिए ये जो मिडिल वाली जो
पिन है, यहाँ पे पॉजिटिव हमने दे दिया है और लास्ट वाले पे निगेटिव हमने दे दिया है। ये देखिए इस चीज़ से निगेटिव हमने लेके दे दिया है और अब हम इसको ऑन करते हैं। ये देखिए, ये देखिए स्विच ऑन का हमारी लीड जली ग्लो हुई। ये देखिए अभी मैंने ऑफ कर रखा है, अब मैं इसको ऑन करता हूँ। ये देखिए ये ऑन हो गया है और ये देखिए हमारी आउटपुट आ रही है बहुत ही बेहतरीन बिल्कुल। मैंने ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, ये देखिए हमारी आउटपुट आ रही है। अभी हमने लगभग 200 वाट का लोड चला रहे हैं। देखिए दोस्तों ये तो हो गई, अब हम अपनी चार्जिंग लगाते हैं। चार्जिंग का प्लग इन करना, ये देखिए अब इसमें से चार्जिंग का प्लग हमने इन कर दिया है। ये देखिए अब इसमें मेंस आएगी, ये देखिए मेंस आ गई हमारी और देखिए दोस्तों चार्जिंग होने लगी है। बहुत ही परफेक्ट वर्क कर रहा है दोस्तों। अगर कभी भी अगर लिव गार्ड में आपको पीसीबी नहीं मिल रही है तो आप सुकेम सार्क पीसीबी आप लगा सकते हो, जबकि इस पीसीबी का जो रेट है हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम है और इसकी जो पीसीबी लगभग आपको हमारे पास मिलेगी वो 850 लेके 800 लेके 950 रुपये तक मिलेगी, पर इस फ्रिज का जो प्राइस है वो 700 रुपये है मात्र। आप इसको इजीली बहुत इजीली कनेक्शन कर सकते हो, बहुत ही इजी तरीके हमने आपको बता रखा है। कुछ भी नहीं करना है आपको, बहुत थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना है और ये आपका जो है डन हो जाएगा। ये देखिए हमारा चार्जिंग कर रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट दिखे थे दोस्तों। दोस्तों इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों, अगर आपको कोई सवाल और सुझाव हो दोस्तों। दोस्तों हमारे पास सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इन्वर्टर पीसीबी और आल टाइप इन्वर्टर पीसीबी जो है वो सभी प्रकार मिलता है। दोस्तों देखिए मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, देखिए कितना अंधेरा सा हो रहा है और लाइट चली गई है। ये देखिए दोस्तों।